क्या हो अगर द फीन ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेस का मैच हमको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रेसल चैनल। तो देखो, ये मैच डेफिनेटली बड़ा मैच हो सकता है। ये रेसलमेनिया वर्दी का मैच है क्योंकि द फीन ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेस का मैच हमको रेसलमेनिया 36 में देखने को मिल सकता था, लेकिन गोल्डबर्ग ने हरा दिया द फीन को। उसके बाद गोल्डबर्ग के पास आई यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का भी मैच हमको नहीं देखने को मिला, लेकिन हमको द फीन्ड ब्रे वायट वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया के किसी बड़े पेपरव्यू में देखने को मिल सकता है, या फिर समर स्लैम में भी अगर WWE वापस से द फीन्ड ब्रे वायट को अपनी कंपनी में लाती है। लेकिन ये मैच बहुत ही धमाका कर सकता है। आपको पता है कि द फीन्ड ब्रे वायट एक भूतिया कैरेक्टर है, एक मॉन्स्टर के तौर पर उनको बुक किया जाता है, और रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल किसी से नहीं हारने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि रोमन रेंस की कोई स्ट्रिक तोड़ सकता है तो वो द फीन्ड ब्रे वायट हो सकते हैं। आपको पता है कि रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हमको देखने को मिला था, लेकिन रेसलमेनिया 39 में हमको रोमन रेंस वर्सेस द रॉक पीपल चैंप का मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन किसी कारण द रॉक नहीं आते WWE में, तो मुझे ये मैच देखने को डेफिनेटली मज़ा आएगा। द फीन ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का। लेकिन क्या रोमन रेंस को हरा पाएंगे द फीन्ड? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है द फीन्ड हरा सकते हैं रोमन रेंस को। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरा ओपिनियन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ भी है इसी चैनल पर है और कहीं नहीं। धन्यवाद।